स्टार लाइफ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति मलिक और स्वागत है आपका अपने फेवरेट शो स्टार लाइफ में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इसके थ्रू मैं आपको मिलवाती हूं आपके फेवरेट स्टार से, और हम जानते हैं उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की कुछ खट्टी मीठी बातें। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको जिस स्टार से मिलवाने जा रही हूँ, उनको आप बहुत बार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख चुके हैं। उनकी बहुत सारी फेमस एल्बम्स हैं, जिनमें से कुछ हैं गोरा तन्न जुलम करे, गड़बड़ हो जागी, टपोरी चेल्ले भोले के, तो समझ गए ना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डीपी शर्मा से और आज हम उनसे रूबरू होने जा रहे हैं, तो आइए मिलते हैं। हेलो सर। पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपने ये करियर की शुरुआत कहाँ से की? करियर की शुरुआत मैंने मतलब स्टार्टिंग में बच्चे थे तब, छठी सातवीं क्लास में पढ़ते थे तब, मतलब गांव से बिलोंग करता हूँ मैं। गांव में मतलब आपको पता ही है, तब बच्चे थे हम उस टाइम, केबल वगैरह थी नहीं, डिश डास तो अभी आई हैं ज़्यादा, तो गांव में इतना वो नहीं होता था। तब तो एक आध टीवी होता था पूरे गांव में। हाँ, गांव में हाँ, नहीं घर पर टीवी था। चलो अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं, पापा मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं हुई स्टार्टिंग से ही हमारे को, तो टीवी था घर पर बट केबल वगैरह नहीं थी। तब शनिवार या संडे को आती थी नेशनल पर मूवी ओनली, ले आते थे दो चार फ्रेंड इकट्ठे होके, वीसीआर वगैरह सीडी वगैरह ले आते थे। हाँ, वीसीआर चलता था तो बस मूवी देखते थे। मैं, मेरा फेवरेट एक्टर है अजय देवगन, मैं सोचता था कि मैं भी मतलब एक्टिंग वगैरह करूं ऐसे ही अजय देवगन की तरह, मूवी वगैरह करूं। चलो मूवी सोचा, अभी आगे करेंगे मूवी वगैरह भी। तो आपने एक करियर होता है, हर किसी का एम्बिशन होता है कि मुझे ये करना, बड़ा होके ये करना, आपने फिल्म लाइन को ही क्यों चुना? एक्चुअली फिल्म लाइन तो मैं था तो स्टार्टिंग से ही, बट तब इतनी वो नहीं थी कि हाँ मैं करूं, क्योंकि पापा अलाउ नहीं करते थे ज़्यादा। ठीक है, अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया था, काम अच्छा है मेरा, अब सोचा कि हाँ अब ठीक है मैं कर सकता हूँ। तभी आपको ये तो पता था कि इस लाइन में, मतलब जब आपने एंटर किया? हाँ हाँ, मैंने मतलब सोचा था कि मैं इस लाइन में आऊँगा जरूर, बट उस टाइम पापा सपोर्ट नहीं करते थे, पैसे की पता ही है, बच्चे थे कैसे करेंगे फिर। अब जैसे उस टाइम पे मतलब आपको ये पता था कि इस लाइन में इतना स्ट्रगल है, और फिर भी आपने इसको एज अ करियर लिया? नहीं मतलब स्ट्रगल वाली तो जब कोई बंदा स्टार्टिंग में किसी भी काम में आता तो स्ट्रगल तो होता ही है। ओके, आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा? स्ट्रगल तो मेरे को मतलब कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ा। ठीक है, स्टार्टिंग में काम अच्छा मिल गया था मेरे को स्टार्टिंग में ही, तो अच्छा पैसा, माता लक्ष्मी की बहुत कृपा है, पैसा अच्छा आता था, तो मैं सोचा माँ स्टार्टिंग में करते हैं, ये किया। मतलब स्टार्टिंग में बंदे आपको पता ही है कैसे, एक दो बंदा मिला, कुछ बंदे होते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं होते। तो आपको फैमिली, तो आप बोल रहे हो कि पापा अलाव नहीं करते थे, पापा के अलावा और कौन बंदा था जो आपको सपोर्ट करता था? नहीं सपोर्ट, मम्मी है, मम्मी तो पता ही है, मम्मी मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कुछ, उनको पता है कि जो करेगा ठीक ही करेगा। हाँ, तो बस ऐसे ही स्टार्टिंग में इस लाइन में आया, बंदे मिले, कोई अच्छा भी मिला, आपको पता ही है हर तरह के बंदे मिलते हैं। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा जो मिला था, कोई मतलब जिनसे आपको सबक मिला। हाँ, सबक मिलता ही है। चलो एक यही एक जनरल क्वेश्चन ले लेते हैं कि हमें हर तरह के, दो तरह के इंसान मिलते हैं जब भी हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं। हाँ। कुछ लोग होते हैं जो हमको सपोर्ट करते हैं, जो हमें आगे बढ़ने में हमारी हेल्प करते हैं, जबकि कुछ लोग होते हैं कि जिनसे हमें एक सबक सीखने को मिलता है। आपके लिए इन दोनों में से कौन से इंसान ज्यादा इम्पोर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए? देखो इम्पोर्टेंट तो दोनों ही है, क्योंकि एक बंदा तो कमी निकालेगा, चलो जो कमी है हमारे अंदर वो आपके सामने या किसी दूसरे बंदे के सामने कहेगा, अपनी कमी का पता लगता है हमारे को। ठीक है, बाकी जो बंदे सपोर्ट करते हैं
वो भी हमारे लिए खास होते हैं। ओके, किसको क्रेडिट देना चाहेंगे आप कि आज आप जहाँ पे भी हैं, अपनी फैमिली की अगर हम बात छोड़ें तो फैमिली के अलावा और किसको क्रेडिट देना चाहेंगे कि वो बंदा ना होता तो शायद आज आप यहाँ पे ना होते। हाँ देखो, स्टार्टिंग में मैं आया, जिप्पी भाई था, जिप्पी जी अच्छे रैपर हैं। स्टार्टिंग वाली एल्बम उसके साथ ही की थी मैंने, जिप्पी के साथ, बड़ी अच्छी चली हमारी एल्बम वो भी। उसके बाद अब भाई बिंदर दनौदा है, बड़ा अच्छा है, हाँ राइटर है, अच्छा राइटर है, नेचर भी बहुत अच्छा है भाई का। तो मतलब अब उसके साथ काम कर रहा हूँ, बहुत आनंदमय अपना महसूस कर रहा हूँ। ओके, जो हमारे कलाकार हैं, साथी हैं, उनमें से आपको किसके साथ काम करके ज्यादा अच्छा लगा, मतलब कंफर्टेबल किसके साथ ज्यादा अच्छा लगा? ज़्यादा मेरे को बिंदर के साथ ही लगा है, ओके। हाँ, क्योंकि अच्छा नेचर है, फैमिली भी अच्छी है, घर जाते हैं, मतलब अलग नहीं मानते फैमिली वाले भी ना, बिल्कुल जैसे फैमिली घर का मेंबर रिलेशन, ऐसे ही मानते हैं बिल्कुल। फैमिली रिलेशन हाँ बन बहुत गए हैं अच्छे हैं। हाँ मतलब। नहीं, फैमिली रिलेशन वैसे मामा के गांव का है ये, बट चलो वो शर्मा है, ये जाट है, तो मैं ऐसे वैसे कास्ट का कोई वो नहीं रखता, फिर भी ये नेचर थोड़ा सा, वाइज अच्छा हाँ होना बहुत चाहिए अच्छे हैं, मतलब इंसान। फैमिली बहुत अच्छी है। ओके, अगर आप इस प्रोफेशन में ना होते, मीन्स अगर आज आप एक मॉडल ना होते तो क्या होते? तो मैं एक फौज में होता, पापा स्टार्टिंग से ही बोलते थे फौज में लगवाऊंगा, तो सब कुछ हो गया था, मतलब शोका से हो गया था, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कुछ, तो फिर मैं चला गया था घर से। वहाँ जाके मतलब स्ट्रगल बहुत किया है मैंने अपनी लाइफ में, किसी का साथ भी नहीं था वहाँ पर, जीजा ने साथ दिया मेरा, अच्छा पंचकुला चला गया था, तो वहाँ उन्होंने मतलब अच्छा सपोर्ट किया मेरे को, तभी मैं उन ज़्यादा कहूँगा तो मैं लाइफ तो मैन तो वहीं से स्टार्ट हुई थी, जीजा ने अच्छा साथ दिया था मेरा। ओके, जो हमारे रीजनल सिनेमा में बात करें तो आपने बहुत सारे मॉडल्स के साथ काम किया होगा, ये ऑफ कोर्स, तो उनमें से किसके साथ आपको काम करके ज्यादा अच्छा लगा? अंजलि की बहनें हैं शिखा राघव और शिवानी राघव, उनके साथ बड़ा अच्छा लगा। ओके, आपने वैसे बहुत सारे सॉन्ग किए, तो उनमें से आपको मतलब खुद में कौन सा अच्छा लगता है? खुद में मेरे को सबसे अच्छा जिससे मेरी पहचान पहचान हुई है, जाट वर्सेस भोला, उसमें मैंने शिव शंकर का रोल किया है। जी हाँ, हमने भी देखा हुआ है हाँ, वो। तो थैंक यू देखने के लिए, तो मतलब उसी से ज़्यादा वही अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि उससे मेरी पहचान ऊपर आई है एकदम से। तो बचपन में मतलब जब आप सोचते थे कि मुझे इस लाइन में जाना है या ऐसा कुछ करना है, तो तब आपने सोचा था कि एक दिन मतलब इतना स्टारडम होगा और आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे? नहीं देखो, सोचा तो था कि हाँ अच्छा करूँगा, लेकिन ठीक है अभी भगवान की दया से मतलब थोड़ा अच्छा काम हो गया। ओके, आप जो इतनी हाँ आपकी फैन फॉलोइंग्स है, मीन्स इतने सारे लोग हाँ आपको जानने लगे हैं, तो उसके बाद आपको कैसा लगता है, पर्सनल एक्सपीरियंस? मेरे को बहुत अच्छा महसूस होता है, मैं अपने दोस्तों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ दिल से। मतलब एक मोमेंट होता है कि जब हमारा एक स्ट्रगलिंग फेज होता है और जब कोई स्टार हम देखते हैं कि उसके पीछे उसके इतने सारे फैंस हैं, उस टाइम पे हम एक चीज सोचते हैं कि हम भी वहां तक पहुंचेंगे, तो कब आपको ये चीज लगी कि हाँ अब शायद मैं भी वहां तक पहुंच गया हूँ? देखो अभी जैसे मैं बाहर रहता हूँ, घर जाता हूँ, छोटे छोटे बच्चे भी गली में को मिलते हैं, वो बोलते हैं वही वो आ गया डीपी शर्मा, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है कि उनको भी, बच्चों को भी पता है, बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो ये बताइए कि मतलब बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे भी हर रोज एक नया चेहरा देखने को मिलता है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, न्यू कमर्स के बारे में? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि मतलब अभी मैंने वीडियो देखे थे, दो तीन वीडियो ऐसे आई थी, मतलब वो फैमिली मेंबर देख नहीं सकते इकट्ठे बैठ के, तो मैं उनको यही कहता हूँ जो भी नया कलाकार आता है, भाई ऐसे सॉन्ग मत किया करो जिसे मतलब आप अपनी फैमिली को भी ना दिखा सको, यही बोलना चाहता हूँ मैं, अच्छा करो, क्योंकि अपनी संस्कृति को बहुत ठेस पहुँचती है ऐसे सॉन्गों से, तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई ऐसे सॉन्ग ना किया करो। मीन्स कुछ लोग क्या करते हैं कि सक्सेस का एक शॉर्टकट निकालने की कोशिश करते हैं, मतलब उससे बचना चाहिए उनको, हाँ आप ये बोलना चाह रहे हैं? हाँ हाँ मतलब वो लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ मैंने ऐसा कुछ कर दिया तो मैं एकदम लोगों की नज़रों में आ जाऊंगा, वो लोगों की नज़रों में आने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन ये बहुत गलत है। अच्छा जो करोगे तो सक्सेस अच्छी मिलेगी आपको, लोग अच्छा बिल्कुल कहेंगे, नहीं तो सारे गालियाँ ही देंगे, ऐसा वैसा करोगे तो कुछ। तो जो हमारे दर्शक हैं, खास तौर पर जो आपके फैंस हैं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, तो उनके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों ऐसे ही प्यार देते रहना, जैसे अभी सपोर्ट कर रहे हो, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आपकी वजह से ही हम यहाँ पर हैं,
और अभी तो बहुत आगे जाना है, आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं, आपकी नहीं हो सपोर्ट के पाएगा। बिना कुछ भी नहीं है। थैंक यू कि आप यहाँ पर आए और अपना ये क्वालिटी टाइम आपने हमारे साथ शेयर किया, प्लस आपने अपनी लाइफ की, अपने प्रोफेशन के बारे में जो बातें हमारी ऑडियंस को बताई हैं उसके लिए थैंक्स अ लॉट, और थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग एंड बीइंग हियर। थैंक यू। तो दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे डीपी शर्मा और हमने जानी उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की कुछ छोटी मोटी बातें। तो ऐसे ही और कलाकारों से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे और बताते रहेंगे उनकी पर्सनल लाइफ की कुछ खट्टी मीठी बातें। तो उसके लिए आप देखना मत भूलिएगा स्टार लाइफ और कंटिन्यू देखते रहिए फन जूस। डाउनलोड फ्री MP3 सॉन्ग्स, वीडियो सॉन्ग्स एंड वॉलपेपर्स फ्रॉम www.funjuice.in, the fun destination. Log on now, www.youtube.com/funjuice for all. Fun Juice Entertainment. हंसते रहिए, हंसाते रहिए, जीवन को खुशियों से सजाते रहिए।